जय हिंद। आप सभी का आज के विशेष ब्लॉग में स्वागत है। प्रिनिल डायरी के पिटारों में से आज का ये फेमस डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, भारतीय सेना द्वारा बनाया गया हॉल ऑफ फेम, एशिया के सर्वश्रेष्ठ 25 संग्रहालयों की सूची में शामिल है। यह संग्रहालय लद्दाख में भारतीय सेना की वीरता और कुर्बानियों की दास्ता हर एक भारतीय के दिल में जिंदा करने वाला सर्वश्रेष्ठ ऐसा हॉल ऑफ फेम। या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ, लेकिन आऊंगा जरूर। सही, ये शब्द है भारत माता के वीर सपूत कारगिल के शेर कैप्टन विक्रम बत्रा के, और ऐसे सभी वीरों के बारे में यहाँ आपको जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं फौजी कहलाना दोस्त, जज्बा पिघल कर रगों में लोहा भरना पड़ता है। ऐसे मेरे भारत माता के फौजियों को आज का ये ब्लॉग समर्पित है। समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर जहाँ सामान्य आदमी को हवा में से ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो, वहाँ हमारे फौजी भाई देश की सुरक्षा में डटे रहते हैं। आपने वार का नाम सुना है? कारगिल वार, जो कि 1990 के टाइम पे हुआ था पाकिस्तान और भारत के बीच। हाँ, उसका एक मॉडल है, इसके फेस पे क्या लड़ाई लड़ी गई थी। तो कुछ एक पॉइंट बताऊंगा आपको मैं, कैसे कैप्चर हुआ, कब हुआ, कब हमने रिकैप्चर किया, उसका फाइनल डेट और शुरुआत डेट में मैं आपको ये बताऊंगा। उससे पहले मेरे कानों को सुनना है, जोश टाइप भारत माता की जय। भारत माता की जय। जोश पैदा करना पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। सियाचिन कारगिल गैलरी में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस कोने से लेकर वो लास्ट कोने तक 99 में जो वार हुआ था उसके दौरान जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उनकी सारी संपूर्ण जानकारी आपको ऐसे बोर्डों से दी जाइए, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपके पीछे सियाचिन गैलरी, सियाचिन में जवान कैसे सर्वाइवर करता है, कैसे रहता है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप हमसे बाद में कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट हो, जो आपको समझ में ना आए। सामने शोकेस में रखे हुए कुछ एक वेपन्स है, वो वेपन्स है पाकिस्तान के, जो कि 99 के बार में इंडियन आर्मी ने कैप्चर किए वेपन्स, वो भी आप देख सकते हैं। ये एक साइन मॉडल है, इंडियन आर्मी साइन मॉडल तब बनाती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या फिर ऑपरेशन करने के बाद किसी को डीब्रीफिंग देना हो, जैसे कि मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये रोड है, कोई कच्ची रोड और कुछ पक्की रोड जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। जो ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये रिवर, कुछ छोटे रिवर और कुछ बड़े रिवर, दो रिवर आ रहे चाइना से, इंडस रिवर और सिंगो रिवर जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है, और एक आ रहा पीओके से, सीगर रिवर जो पीओके से घूमता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है। रेड लेटर में कुछ एक नाम लिखे हुए, रेड लेटर में गुलतारी, गोर, मनियार, रिजोर्ट, मरोर, ये लोके के कुछ एक गांव जो कि अभी भी पीओके में मौजूद है। जो एरो मीटर में इंडिकेट कर रहे हैं वो है LOC, LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। 99 के वार से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौते में साइन हुआ था कि ज्यादा बर्फ पड़ते समय यानी विंडर्स के दौरान में कोई भी सेना ऊपर पोस्टों पे नहीं जाएगी, ना इंडियन आर्मी और ना ही पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बोला जाता है। एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी नीचे बेस में डाउन हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे हमारे कुछ एक पोस्ट कैप्चर कर लिए, जिस टाइम हम एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन हो चुके थे। वो पोस्ट कौन से आप देख सकते हैं, दराक में जॉइंट फोर्स एन 5, टाइगर हिल 5140, टोलोलिंग, नेक्स्ट में कारगिल 5608, ककसार और मजदास। बटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे जुब्बर हिल्स, मोंटो डालो, अलूबर और यल्दोर, अभी पाकिस्तान ने जितना कैप्चर करना था कर चुका है, इंडिया की भर्ती उसको रिकैप्चर करने के लिए तो उसकी शुरुआत करी गई बटालिक सेक्टर से 2 मई को, जिसमें मोंटो डालो के पास इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि आपने सुना हुआ एक चरवा ताशीनाम, उसका नाम था चरवा, जैसे कि जो गाय चराता है उसका नाम था ताशीनामा। जो मोंटो डाल में गया था उसने कुछ देखा कि पठानी सूट पहने हुए 4-5 लोग क्या है बंकर बना रहे, उसकी सूचना उसने बटालिक सेक्टर में जो फोर्स थी, जो सेना थी, जो एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हो चुकी थी उनको दी। उसके बाद क्या हुआ, एक अफसर 10 जवान, जिसने सुना होगा आपने कैप्टन सौरभ कालिया साहब,
भी शामिल होते हैं, वो एक रास्ते में तरीके से गायब हो चुके थे। उसके बाद हुई कार्रवाई, इसमें पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया मुंटो टालू के पास। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए रह गया वहाँ पे नाम, ज्यादा हाइट होने के कारण एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर वहाँ पे ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको सक्सेस बनाया और बटालिक सेक्टर के जितने भी जगह जमीन पोस्ट कैप्चर किए थे पाकिस्तान ने, उसको रिकैप्चर कर लिया गया चार के चार, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट में दरास। दरास में टोलोलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट था, क्यों? क्योंकि इसलिए एक नेशनल हाईवे जा रहा है जो जिला दरास, कारगिल, लेह लद्दाख, सियाचिन। अगर पाकिस्तान टोलोलिंग में कैप्चर कर लेता तो आज जहाँ पे हम लोग सभी खड़े वहाँ पे कौन होता? पाकिस्तान, ना कि इंडिया। ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ओपी विजय, जिसमें 4875, टाइगर हिल 5140 और टोलोलिंग शामिल थे। आपने मूवी देखा होगा, एक लेटेस्ट मैच था अभी, कौन सा? शेरशाह। इसमें 5140 विक्रम, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब ने विजय हासिल की थी। उसमें क्या उसको नाम दिया गया? ये दिल मांगे मोर। और उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन था उनका 4875, जहाँ पे वो शहीद हो चुके थे, लेकिन उन्होंने शहीद होते होते भी वो भी रिकैप्चर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट बात है कारगिल, 5608, रक्सार और मजदास में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये ऑपरेशन का ड्यूरेशन 2 मई पटालिक से शुरू हुआ था और 26 जुलाई जाके कारगिल में खत्म हुआ। पाकिस्तान ने जितने भी जगह जमीन पोस्ट कैप्चर किए थे, उसको रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को कम से कम 3 महीने का टाइम लगा, लेकिन उस 3 महीने के दौरान में सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहां से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले गया, इसलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। थैंक यू। इतना ही नहीं, लद्दाख के इतिहास और संस्कृति के बारे में भी उत्कृष्ट जानकारी यहाँ पर उपलब्ध है। सच में मुझे गर्व है, मैं एक भारतीय हूँ। आशा करता हूँ आज का ये ब्लॉग सभी को पसंद आया होगा। लद्दाख ब्लॉग की जर्नी के लिए जुड़े रहिए प्रिनील डायरी के साथ, और ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।